अगली खबर बात करते हैं रीवा की, जहां अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर विगत लंबे समय से संविदा स्वास्थ्य कर्मी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। एक तरफ स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, तो वहीं लंबे समय से स्वास्थ्य कर्मी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका समर्थन करने कांग्रेस के महामंत्री पूर्व विधायक राजेंद्र मिश्रा धरना स्थल पहुंचे और उन्होंने उनकी मांगों का समर्थन किया। साथ ही कहा कि कोरोना काल में जिस तरीके से स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर कार्य किया और उस समय जब कोई शवों को छूने के लिए तैयार नहीं था, उस समय स्वास्थ्य कर्मियों ने सेवा की, उन्हें अब जहां बाहर कर दिया गया है वहीं उनकी मांगे नहीं मानी जा रही हैं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। आइए सुनाते हैं पूर्व विधायक राजेंद्र मिश्रा ने समर्थन में क्या कहा है। जिन्होंने कोरोना काल में सबसे ज्यादा अपनी सेवाएं दिया है, जब बेटा बाप की लाश लेने के लिए तैयार न हो, ऐसे परिस्थिति में जब घर के लोग अपने घर के माता पिता को छूने के लिए डर रहे हो, तब हमारे स्वास्थ्य कर्मी और संविदा के खास करके स्वास्थ्य कर्मी जानी जाती है। हम तो कांग्रेस पार्टी के महामंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, समर्थन देने आए हैं, हम इनको समर्थन देने आए हैं। हमारे संविदा कर्मचारी हैं ये, और विशेष करके ये संविदा कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के। मैं अभी इस बात को रेखांकित कर रहा था, कोरोना काल में इन्होंने जिस तरीके से जब बेटा पिता की लाश को लेने को तैयार नहीं था, जब घर के अग्रज के मरे हुए को कोई छूने को तैयार नहीं था, तब ये संविदा कर्मचारी पूरे राज्य में सेवा करते रहे। फिर से कोरोना की आठ सुनाई पड़ती है, हो सकता है राहुल गांधी की यात्रा रोकने के लिए हो, और हो सकता है कि उनको इसमें लगता भी हो कि ये ठीक ठीक है। ऐसे कर्मचारियों को अभी मैं कल का मुझको पता चला कि ये लोग सामान्य रूप से ज्ञापन देने गए थे स्वास्थ्य मंत्री को। मैं कहना चाहता हूँ कि ये कर्मचारी आपके हैं, और आपके कर्मचारी होने के नाते ये किसको ज्ञापन देने जाएंगे? अगर इनको कोई समस्या है, कोई पीड़ा है, इनको कोई तकलीफ है, मुख्यमंत्री से नहीं मिलेंगे, स्वास्थ्य मंत्री से नहीं मिलेंगे, आखिर ये किससे मिलने जाए? और मिलने गए न ये कोई नारेबाजी कर रहे थे, न किसी को मारपीट कर रहे थे, न कोई आंदोलन उस तरीके का कर रहे थे, इसके बावजूद इनके कर्मचारी नेताओं को कल गिरफ्तार कर लिया गया। ये शुद्ध रूप से दमनात्मक रवैया है, और कांग्रेस पार्टी माननीय कमलनाथ जी के दिशा निर्देश में इनसे मिलकर के एक बात इस बात को कह चुकी है कि ये अन्यायपूर्ण रवैया है। जहाँ कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, आप देख लीजिए, कर्मचारियों को जो उनका वेतनमान था वो पहले दे दिया गया, बिना मांगे दे दिया गया। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में दे दिया गया, मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के साथ में बेचारों को भेदभाव करना, उनको नौकरी से निकाल देना, कैसे बच्चे पल रहे होंगे, ये महिलाएं बेचारी जो खड़ी हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे जिनको पाल पोस रही थी, आज उनका फीस स्कूल में कौन भर रहा होगा? उनके भोजन का अगर वो रोता हुआ बच्चा बिलाप करता हुआ एक बिस्कुट की मांग करता होगा, इनका इनके इनका इनका चेहरा आप देख लीजिए कि इनकी स्थितियाँ क्या हैं। तो मैं इसलिए इन कर्मचारियों के साथ के लिए, इनके सहयोग के लिए, और सरकार के दमनात्मक रवैये के खिलाफ में आज इनका समर्थन करने को आए। एक तरीके से संघर्ष को सरकार आहूत कर रही है। हम लोग सरकार में रह चुके हैं, हमको भी सरकार चलाने के कुछ दिन का अनुभव है, विधायक गुड़ में रह चुका हूँ, तो सरकार और मंत्री बनने का मुझे अनुभव है। तो हम सब लोग कोशिश ये करते हैं कि ऐसे समय पर हमारे कर्मचारी को, हमसे जुड़े लोगों को, हमारे राज्य की जनता को अगर कोई कठिनाई है, कोई परेशानी है, तो हम उसकी मदद करें, उसमें खड़े हों, बजाय मदद करने के, जैसा बता रहे हैं ये कर्मचारी नेता ही हैं, कि एक बार उनके ज्ञापन को ले लेते हैं, उनको गिरफ्तार करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर किसी का निर्देश आता है, फिर उसको बंद कर लेते हैं। ये क्या तमाशा है? ये कोई आतंकवादी है क्या? ये कोई, ये भी कोई वोट लेने के लिए कोई पाकिस्तान से आए हैं क्या? इस बार 2023 के चुनाव में आपको निरंतर ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगें ना ले। 2018 में भी सरकार ने हम लोगों को धोखा दिया, उन्होंने बोला कि जो कैडर के हिसाब से जो कर्मचारी हैं और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका 90% दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। वही हाल इस बार भी हमारे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी स्वास्थ्य मंत्री से मिलने गए, सिर्फ ज्ञापन देने, उनसे अपनी पीड़ा रोने, लेकिन
जब उनके पास गए तो एक तो स्वास्थ्य मंत्री ने बात करने के लिए पहले तो गाड़ी से उतरे ही नहीं, जब किसी तरह से गाड़ी से उतरे तो उनको उनका स्वागत किया गया हमारे स्वास्थ्य कर्मचारियों के माध्यम से, और उसका परिणाम ये मिला कि जब स्वास्थ्य मंत्री यहाँ से चले जाते हैं और उधर से पुलिस भेज देते हैं इन सबको पकड़ के जेल में डालो, किसी तरह से कुछ ऐसा हुआ होगा कि कर्मचारियों को छोड़ दिया जाता है, फिर किसी मंत्री का फोन आता है कि इनको वापस पकड़ के जेल में बंद करो, और सारे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को पुनः जेल में बंद कर दिया गया। किसी भी सरकार द्वारा किस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण रवैया आज तक के इतिहास में कभी न हुआ और मेरे ख्याल से कभी होगा भी नहीं।